अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस पहले यूट्यूब पे किसी ने इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बनाई होगी यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊँगा कि ये जो स्कोप होती है ये ज़ीरो आउट क्यों करती है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ यही मसला आ रहा था। मैं घर से गन ज़ीरो करके जाता था, एक आध परिंदे का शिकार करता था, तो उसके बाद ऐसा होता था कि गन ज़ीरो आउट कर देती थी। मैंने सोचा गन में मसला है, मैंने सील चेंज की, स्प्रिंग वगैरह चेंज किया, ये एयर गन की बाकी जो मेंटेनेंस की जो मैं कर सकता था मैंने किया, मगर एयर गन वही उसका सिस्टम चल रहा था कि एक दो पैलेट सही मारती थी उसके बाद ज़ीरो आउट कर देती थी। ऐसे करती थी ना कि कोई पैलेट लेफ्ट लगता था, कोई राइट, कोई अप डाउन, ऐसे करता था, मतलब एक जगह नहीं फायर करती थी। मैंने सोचा क्या पता कोई गन में मसला हो गया है, मगर वो गन में मसला नहीं था, वो स्कोप में मसला था। बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये मसला पकड़ा, तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों को भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये स्कोप का पिछले वाला ग्लास खोल कर एक चीज़ आपको मैं चेक कर बताऊँ, तो उसके मैं आपको फिर आगे भी बताऊँगा कि ये मसले क्या क्या आ रहे थे। तो ऐसा बहुत दोस्तों के साथ शायद हुआ भी होगा, तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये स्कोप में मसला है, मगर हालांकि ये स्कोप में मसला होता नहीं है, ये गन में मसला नहीं होता, सॉरी स्कोप में मसला होता है। तो एक चीज़ ये कैमरा थोड़ा नज़दीक लाऊं, तो ये इसका पीछे वाला ग्लास मैंने खोल दिया, ये देखें ये इसके यू कट बने हुए हैं ये वाले, तो ये यहाँ से ये ऐसे बहुत ढीला हो गया था जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ये देखें ऐसे शीशा इसका जो अभी हिल रहा है ना ऐसे ये हिल रहा था। एक तो मैंने इसको टाइट किया और इसका भी मसला होता है, मगर इससे भी ज़्यादा एक मसला और होता है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको मैं ये आगे वाला ग्लास आपको खोल कर दिखाता हूँ, जो मेन मसला था वो मैं आपको बताता हूँ कि मेन मसला इसमें होता क्या है। बड़ी मुश्किल से ये प्रॉब्लम जो थी मैंने इसको ट्रेस किया है, तो मैंने कहा चलो फिर आप सबको भी बता देता हूँ, क्योंकि ये शिकारियों को ऐसे वैसे मसले पेश आते रहते हैं। इसको मैं खोल लेता हूँ, इसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है क्योंकि ये आँख पैर सेट करने के लिए भी होता है, तो बाज़ लोगों की जो नज़र होती है ना वो कमज़ोर होती है, तो फिर इसको टायर ढीला करने से जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। तो कैमरा थोड़ा नज़दीक लाऊं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा जो क्रॉस है ना, इसके अंदर इधर एक नलकी होती है, जो ये लेफ़्ट राइट या अप डाउन करने वाले जो इसके होते हैं ना, ये सेट करने वाले जो नट लगे होते हैं इसके अंदर, जो इसको मैं अभी खोल कर आपको दिखाता हूँ ये वाले, तो इसके अंदर जो है ना एक नलकी लगी होती है, जो नलकी के ऊपर एक नट लगा होता है। ये आप अगर अंदर से आपको शायद नज़र आ रहा हो या नहीं नज़र आ रहा हो, पर आपको समझने के लिए मैं आप इस ग्लास से समझाता हूँ। ऐसे ही छोटा एक रिंग नेट लगा होता है, जैसे ये रिंग नेट लगा हुआ है ना ऐसे दोनों तरफ उसके कट लगे होते हैं, और ऐसे ही रिंग नेट लगा होता है, वो बहुत ढीला था जो इसके अंदर था ना, वो बहुत ढीला था। तो मैंने उसको जब टाइट किया तो गन मेरी अच्छी हो गई है, तो वो काफ़ी ढीला था, मैंने उसे काफ़ी मेहनत करके टाइट किया, क्योंकि ये तकरीबन जहाँ होता है तो वहाँ यहाँ तक ना पेचकस को जाता है, तो पेचकस भी अगर आप डालेंगे तो, क्योंकि पेचकस तो एक साइड पे होता है, तो ये काफ़ी तकरीबन वक्फे वक्फे पे होते हैं कट दोनों। तो फिर मैंने ये लोहा काटने वाली जो आ रही है इसको दरमियान से तोड़ा तोड़कर, तो वो फिर अंदर डाल के उसको, तो मैंने इसके ये नट टाइट किए। तो जब, क्योंकि जब आप फायर करते हैं ना तो एयर गन वाइब्रेशन करती है, हिलती है, तो हिलने की वजह से वो नट होता है ढीला, ढीले होने की वजह से जो नलकी है तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऐसे हिलती रहती है, जिसकी वजह से गन भी ज़ीरो आउट करती रहती है। तो जब मैंने उसको टाइट किया अच्छे से टाइट करके, तो फिर मैंने गन ज़ीरो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह गन उसके बाद ज़बरदस्त हो गई। तो अगर आपकी गन में ये मसला हो रहा हो तो आप भी ऐसे सेट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।